रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी जब हम करते हैं तो इट इज़ अ मेजर सर्जरी फॉर द आई. इसमें कुछ वाटरिंग भी होती है, अगर हम बकलिंग करते हैं तो कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, लोगों को रेडनेस रह जाती है, काफ़ी वाटरिंग होती है जो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ 1-2 वीक्स सेटल डाउन होती रहती है. दूसरा ये है, बकल लगाने के बाद जो आँख के अंदर आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा और माइनस में शिफ्ट हो जाता है. यूजली आपको 2 या 3 नंबर का माइनस नंबर आ जाता है जितना आपका प्री एग्जिस्टिंग नंबर होता है. तो हम पेशेंट को शुरू से ही सर्जरी से पहले बता के चलते हैं कि आपको ये एक्सपेक्टेड रहेगा और हम आपको 6 हफ्ते में चश्मे का नंबर फाइनल करेंगे. जो विट्रेक्टमी की जाती है, आज की डेट में विट्रेक्टमी यूजली सूचरलेस की जाती है. हम 23 गेज, 25 गेज, 27 गेज की विट्रेक्टमी यूज़ करते हैं. बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आँख के अंदर जाते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं तो ये जो एंट्रीज होती हैं सेल्फ सीलिंग होती है, हमें कोई स्टिच नहीं लगाना पड़ता. तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को पोस्ट ऑप जो होता है रिकवरी अच्छी रहती है. एक तो पेन कम होता है, इरिटेशन कम होती है, वाटरिंग कम होती है. और जैसा कि मैंने बताया कि ग्लासेस का नंबर फाइनली हम 6 हफ्ते पे देते हैं क्योंकि तब तक वो आँख जो होती है सर्जिकल स्ट्रेस से बाहर आ चुकी होती है और आँख स्टेबलाइज हो गई होती है.